आज इसको मैं दो हिस्सों में काट रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वीज़ा आ चुका है। गुड मॉर्निंग हो गया आप लोगों को। अगले दिन के अंदर सुबह सुबह मैंने देखा नीचे क्रेन है और इतनी बड़ी क्रेन सुबह सुबह शीशे साफ कर रही है। जी मैं गलती से नीचे चला गया था। जाना मुझे है फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ ब्रेकफास्ट है। ब्रेकफास्ट की टाइमिंग सिर्फ है सुबह 10 बजे तक। 10 बजे के बाद ब्रेकफास्ट नहीं देते। हम लोगों ने जैसे ब्रेकफास्ट करना है स्ट्रेट में बर्मिंघम वापस, क्योंकि बड़े मामला आता है, देखने पड़ते हैं, समझा करें। जी ब्रेकफास्ट पे आ चुके हैं। छोले लग रहे हैं, छोले उन्हें बीन्स हैं। गुलाब जामुन नहीं यार, यार कितने गरीब कितने फंस गया मैं। टमाटो बटर मशरूम नहीं, फूल मखाने नहीं नहीं नहीं, कबाब पता नहीं, वेजी सॉसेजेस। तो यहाँ पे कुछ क्रोसेंट्स ब्रेड वगैरह ब्रेड पड़ी हुई है। यहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई हैं, केले शेले, सिलेक्शन ऑफ ड्राई मट्स, ठीक है, बिस्किट शिस्किट है, कैच पे हैं, ये वो शायद है, ठीक है। यहाँ पे एलमंड्स वगैरह हैं और यहाँ पे खुली चीज़ें पड़ी हैं, बहुत सारी चीज़ें ना, मुझे किसी का नहीं पता, आप खुद देख लें। गर्म पानी, इसमें दूध, इसमें पता नहीं क्या है, ये कितनी सुबह दूध पड़ा हुआ है, ये चाय, जो भी आप लोग डालना चाहते हैं डालें। पानी मैंने डाल लिया है, ये देखिए गर्म पानी, अब इसमें करके दूध है शायद, हाँ ये दूध है। सारी चाय ख़राब करती है। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा नाश्ते का टेबल लग गया, नाश्ता करके निकलते हैं। आओ आप लोगों को मैं जेंट्स टॉयलेट दिखाता हूँ। ओए ओए ओए, ऐसे लगता है भाई किथे आ गए हैं, ये देखें। और इधर टाइम टू से गुड बाय टू लंदन, गाड़ी रेडी है और बैठते हैं, बैग को पीछे रखते हैं, हाय हाय हाय, और निकलते हैं। यार पेट्रोल बिल्कुल खत्म होने वाला था, तो मैंने कहा यार पेट्रोल भरवा लें, यहाँ पे खुद भरना पड़ता है यार। चल भाई मैं भरवाता हूँ E10 अनलीडेड, तो उधर जाके बिल देते हैं और निकलते हैं फिर। तो जूस वूस पकड़ लेते हैं कोई, मैं ये पानी पीने का दिल कर रहा है। पीछे दुकान से मैंने ये कुछ चीज़ें ले ली हैं, ये दो कुछ चॉकलेट्स ले ली और पानी। मौसम बड़ा मज़े का है, इस पेट्रोल पंप पे ब्रेक लगाई है, अगर थोड़ा चिल करें रिलैक्स करें। निकलते हैं यार, 29 माइल रह गया सिर्फ घर, और पेट्रोल की टेंशन थी, मैं अगर पेट्रोल ख़त्म ना हो जाए तो मसला बन जाएगा। सो जी फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह लंबा सफ़र करने के बाद मैं घर वापस आ चुका हूँ और सामान वगैरह मैंने निकाल लिया, इतनी हिम्मत भी बढ़ रही कि सामान उठा लूँ। सो अभी हम आए हैं कुछ मेडिसिन, कुछ शहद लेने के लिए हम आए हैं। इस जगह पे हमें उन लोगों ने बुलाया, कोई शॉप थी तो यहाँ पर पोस्ट कोड चलता नहीं है, हमें इस जगह पर बुलाया गया है। तो मैं यूके में एक ओरिजिनल शहद लेने आया हूँ। यहाँ पे आप लोगों को बकरे नहीं बच्चे, भैंसों के बच्चे क्यूट क्यूट खड़े हैं देखे, और ये परेशान हो गया है, ये नकली बच्चा खड़ा है, और ये यहाँ पर इनकी आई थिंक जाते हैं, यहाँ पर इनकी चॉकलेट्स, देसी अंडे पड़े हुए हैं, और ये देखें अंडे यहाँ पर हैं, देसी चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं, ये पता नहीं क्या है, डिफरेंट तरह के फ्लेवर्स पड़े हुए हैं। ये अंदर से रूम है थोड़ा, मैं कर दिखाऊँ आप लोगों को, मैं भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। भाइयों मैं आप लोगों को समझाता हूँ स्टोरी क्या है। असल में ये सामने इनकी भैंसें हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर खाली बॉटल्स पड़ी होती हैं, आप लोग बॉटल उठा के एक मशीन में लगाते हो और खालिस दूध आप लोग वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखें इनकी भैंसें हैं, खाना शाना खा रही हैं, और यहाँ पे सिस्टम मैंने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे देखा है, जिस तरह डेरे कहते हैं आप लोग, डेरे नहीं होते, तो आप लोगों को अंदर भी लेके जाते हैं, ठीक है। ये एंट्रेंस है यहाँ पे, आज हम आए एक गांव के अंदर, ये डरबी के अंदर गांव है, जहाँ पे खाली चीजें आपको मिलती, जिस तरह आप लोगों ने सुना होगा पाकिस्तान में भी डेरे होते हैं जहाँ पे भैंसों का दूध, आइसक्रीम और अंडे वगैरह फ्री मिलते हैं, फ्री नहीं आपको खालिस मिलते हैं। यहाँ पे कुछ सिंक लगा हुआ है, ठीक है, जहाँ पे हाथ वगैरह धो सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपके आइसक्रीम है, आइसक्रीम की प्राइसेस भी 3 पाउंड की आइसक्रीम है, बिल्कुल खालिस आइसक्रीम है। आपने यहाँ से आइसक्रीम का बटन प्रेस करना है और यहाँ से कार्ट टैप करना है और आपने ले लेना। गला मेरा खराब है लेकिन मैं नहीं लेने जा रहा। लिटिल लेस देन जो एग्स की प्राइस है वो 2-3 पाउंड की है, यहाँ पे 15 पाउंड 7 पाउंड 7 पाउंड 7 पाउंड 7 पाउंड, ये ट्रे 7 पाउंड की, लेकिन अंडे बिल्कुल खालिस है मुर्गियों के। अब आप नेक्स्ट टाइम कह जाते हैं, यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रही है डिफरेंट तरह की हनी, चॉकलेट्स और जो चीज़ें आप वीडियो में देख सकते हैं, चीज़ और एम्प्टी बॉटल्स। हम लेने आए हैं स्पेशल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, बर्मिंघम से आए हैं। ये वाइट कलर का हनी जो आपको नजर आ रहा है, प्योर डर्बी शायर हनी, ठीक है। आप लोग क्या ये भी आपको लेकर दिखाते हैं, अगले स्टेप की तरफ आ जाए। इस तरह भैंसों का खालिस दूध, जिस तरह गाँव वगैरह में सिस्टम नहीं होता, ठीक है, इस जगह पे फ्रिज के अंदर इन लोगों ने खाली बॉटल्स रखी हुई है। आई थिंक दोनों का साइज बराबर है, 1 लीटर की बॉटल है, और मेरा दिल कर रहा है क्यों ना हम ले लें। एक लीटर का प्राइस है 1.50, 2 लीटर का है
2.50। यहाँ पे हम बोतल लगाएंगे और आज ट्राई करेंगे कि खालिस दूध कैसे मिलता है। ठीक है, ये मैंने बोतल लगा ली है, एग्जैक्ट इसके नीचे लगानी है। मेरा कैमरा अगर आपको दिखाएं, ठीक है, ये मैंने लॉक कर दिया है और करूँगा पुश टू स्टार्ट। आई थिंक मैंने दरवाज़ा बंद किया है, वो खुद कह रहा है कार्ड दिखाओ। मैं कार्ड टैप करता हूँ, कार्ड मैंने टैप कर दिया है। हाँ, 1 लीटर चाहिए मुझे, मैंने 1 लीटर के लिए प्रेस कर दिया है। पुश टू स्टार्ट, प्लीज सेलेक्ट प्रोडक्ट। यार मैंने कर तो दिया और क्या करें। फाइनली मेरा न्यू बीआरपी आ चुका है और यहाँ पे ऐसा होता है जो आपका पिछला बीआरपी होता है आपको उसको कट करके भेजना पड़ता है। ये मेरा बीआरपी है और आज इसको मैं दो हिस्सों में काट रहा हूँ। ये देखें कितना सख्त है यार, काट ही नहीं रहा। तो मैंने इनको दो हिस्सों में काट दिया है, ये मैं पोस्ट ऑफिस में डाल के वापस भेज दूंगा। लंबी क्यू लगी हुई है इस जगह पे। पिंटोला से एक एनवेलप ले लेंगे। जी भेजना मैंने इस एड्रेस पे है, प्रिस्टोल। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वीज़ा आ चुका है और मेरे वीज़े के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मेरे वीज़े की कितनी एक्सटेंशन होती हैं, कितने साल का वीज़ा होता है, मैं किस वीज़े पर हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा आसानी में मैं समझा दूँ। मैं स्पाउस सेटलमेंट वीज़े पर हूँ। जब पाकिस्तान से आ रहा था तो मेरा वीज़ा मुझे 2.5 साल का मिला था, उसके बाद रिसेंटली 1-2 हफ्ते पहले एक्सपायर हो चुका है। ठीक है, वो अब मुझे 2.5 साल का दोबारा मिल चुका है। जब मेरे घर बीआरपी आया तो बीआरपी मुझे सिर्फ मिला 1 साल का। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने अपने सोलिसिटर को कॉल की, मैं कहा यार मुझे 2.5 साल का वीज़ा चाहिए था, तो उन्होंने मुझे 1 साल का क्यों दिया। तो उन्होंने कहा कि 1 साल का हम लोगों ने आपको बीआरपी दिया है, अब जो नया वीज़ा है वो ई वीज़ा आ रहा है। बीआरपी का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। जो लोग रीले डालते हैं ना, बीआरपी आ गया, बीआरपी आ गया, और कुछ लोग यूनिवर्सिटी वाले आते हैं, यार मेरा बीआरपी नहीं आ रहा, बीआरपी नहीं आ रहा, वो सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ डिजिटल हो चुका है। पेपर वर्क या बीआरपी वो इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। अब आप लोग अपना वीज़ा ऑनलाइन देख सकते हैं। यहाँ पर मैं राइट पर अपने वीज़ा बता दूंगा कितने 2026 की किसी मंथ तक मुझे मिला है और किस ऐप के थ्रू आप लोगों ने उसको चेक करना है। वो जो बीआरपी मेरा आया ना, उस ऐप के थ्रू आप लोगों ने उसको चेक करना कि आपके पास वीज़ा वैलिडिटी कितनी है। आपने उस स्कैन करके रखना है, उस बीआरपी में कहीं छोटी चिप है उसको स्कैन करता है, आप लोग करोगे ना आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर मैं सारी इनके लगा दूंगा, इनकी जो साइड्स हैं, मेरे वीज़े की एक्सटेंशन और जो मेरा 1 साल वाला वीज़ा है वो भी लगा दूंगा, वो बीआरपी वो भी लगा दूंगा। सो खैर मैं खुश हूँ। दुआ में याद रखा करें, अपना बहुत ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।